शक्ति बढ़ जाती है तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति बढ़ जाती है मैंने से नूर छलकता मैंने से नूर छलकता मेरी सांसों को महकाती है तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती शांति। सभी निश्चय बुद्धि और शरीरीपन के अभ्यासी बेहद स्मृति स्वरूप मस्त योगियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज 15 अक्टूबर 2023 की अव्यक्त वाणी चली है 1996 के समर्थी दिवस पर। अव्यक्त दिवस 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का दिवस, जिसमें बाबा हमें सदा समर्थ रहने की सहज विधि बताते हैं। क्यों हम कभी कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं, उलझन में फंस जाते हैं, बाप दादा आज विस्तार से हमें समझाएंगे। विशेष दिवस है तो विशेष नवरत्न भी मिलते हैं सौगात में, जो कि व्यावहारिक जीवन के लिए ज्ञान का सार है। बाबा की तरफ से हम सब के लिए अनुपम उपहार है। तो सुनते हैं अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है सदा समर्थ रहने की सहज विधि। शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। सदा समर्थ रहने की सहज विधि, शुभ चिंतन करो और शुभ चिंतक बनो। आज स्नेह संपन्न स्मृति दिवस है। चारों ओर के बच्चों के स्नेह का, दिल का आवाज बाप दादा के पास पहुंच गया है। 18 जनवरी सभी विशेष रूप से ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं ना, कितने स्नेह से। तो यह स्नेह सुख स्वरूप स्नेह है। बाप दादा इस दिवस को स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थि दिवस कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने अपने साकार स्वरूप में सर्व कार्य करने की समर्थियां अर्थात शक्तियां साकार रूप में बच्चों को अर्पण किया। सबको पता है ना कैसे दादी प्रकाशमणि का हाथ अपने हाथ में लेकर ब्रह्मा बाबा ने सारी शक्तियां ट्रांसफर कर दी। तो इस दिवस को सन शोज फादर के वरदान का दिन कहा जाता है। शक्तियां मिल गई तो अब बाप का शो तो करना ही है, तो वरदानी दिवस है। साकार रूप में बच्चों को आगे किया और फरिश्ता रूप में अपने बच्चों की और विश्व की सेवा आरंभ किया। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होते ही कितनी विहंग मार्ग की सेवा हुई, विदेशों में भी सेवा चालू हो गई। ये 18 जनवरी का दिवस ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। 18 जनवरी गीता के 18 अध्याय अंतिम पाठ क्या है, नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा। तो 18 जनवरी का ये दिन ब्रह्मा बाप के संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का रहा। जैसे गीता के 18 अध्याय का सार है, भगवान ने अर्जुन को नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनाया।
तो ये 18 का यादगार है कि ब्रह्मा बाप कितना ही बच्चों के प्रति अति स्नेही रहे। जो बच्चे अनुभवी हैं कि सदा सेवा के निमित्त बच्चों को कितना याद करते, अनुभव है ना, मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो मोह शब्द है नेगेटिव, शुद्ध प्यार, दिल का प्यार ये है पॉजिटिव। तो बाबा कहते हैं मोह नहीं रहा लेकिन दिल का प्यार रहा, क्योंकि मोह उसको कहा जाता है जिसमें अपना स्वार्थ हो। तो बाबा का तो निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ भाव। तो ब्रह्मा बाप का अपना स्वार्थ नहीं रहा लेकिन बच्चों में सेवा अर्थ अति स्नेह रहा। फिर भी साथ रहते, बच्चों को सामने देखते भी कोई देह के रूप में याद सताई नहीं, एकदम न्यारा और प्यारा रहा। इसलिए कहा जाता है स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा। बाबा का हर एक बच्चे से प्यार रहा, सबको आगे किया, लेकिन मोह नहीं था, स्वार्थ नहीं था बाबा का। सबसे प्यार करते बाबा लेकिन फिर भी न्यारे रहते। तो स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा, कोई मेरापन नहीं रहा, देह भान से भी नष्टो मोहा। तो ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। देखो ब्रह्मा बाबा सबके बीच रहते, पालना करते, सबको गाइडेंस देते, आगे रखते भी एकदम न्यारे रहे, उपराम रहे, खुद की देह के भान से भी नष्टो मोहा। तो बाबा कहते कि ये दिवस ऐसे फॉलो फादर का पाठ पढ़ाने का दिवस रहा। ये अव्यक्त दिवस दुनिया की अनजान आत्माओं को परमात्म कार्य की तरफ जगाने का रहा, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ब्रह्मा बाप को देखकर यही सोचते या समझते थे कि इन्हों का परम आत्मा ब्रह्मा है। कहते ना आप इनको ही भगवान मानते हो, इनका चित्र है। तो ये ब्रह्मा कुमारियाँ ब्रह्मा को ही भगवान मानती हैं, और ब्रह्मा ने साकार में पाठ परिवर्तन किया तो क्या सोचने लगे कि अभी तो ब्रह्मा कुमारियों का भगवान चला गया और ये ब्रह्मा कुमारियों का कार्य आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इन्हों का करावनहार ब्रह्मा द्वारा भी परम आत्मा था, है और अंत तक रहेगा। ब्रह्मा बाबा का तो यज्ञ नहीं है ना, शिव बाबा का यज्ञ है, ब्रह्मा के थ्रू उन्होंने स्थापन किया, ये बात हमें मालूम है। कौन कर रहा है, कौन आगे कराएगा, ये सब हमें पता है। करण करावनहार कौन है, ये हम बच्चों को पता है। तो सबने सोचा ब्रह्मा भगवान इनका चला गया, अब ये संस्था भी बंद हो जाएगी। तो हमें पता है कि ब्रह्मा द्वारा भी करावनहार कौन, परम आत्मा था, है और अंत तक रहेगा। तभी तो देखो कार्य अनवरत चलता ही जा रहा है और वृद्धि को संस्था पाती जा रही है, बच्चे बढ़ ही रहे हैं। तो ये परमात्म कार्य है, व्यक्ति का कार्य नहीं है। ये पहचान ब्रह्मा बाप के साकार पाठ परिवर्तन होने के बाद समझते हैं कि इन्हों को कोई शक्ति चला रही है, अभी भी बेचारे परम आत्मा को नहीं जानते। तो अब तो समझ में आ गया ना कि ये ब्रह्मा का कार्य नहीं तो ब्रह्मा के जाते ही खत्म हो जाता। कोई ना कोई शक्ति चला रही है, अब अनुभव कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा को जानते नहीं। लेकिन कोई शक्ति कार्य करा रही है, वो कौन सी शक्ति है उसको भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, और आखिर तो समझना ही है, एक दिन तो पता चल ही जाएगा, तब मानेंगे। तो किसका कार्य है, ब्रह्मा बाप का या परम आत्मा का ब्रह्मा द्वारा किसका कार्य है? जो बच्चे साकार के बाद में आए हैं वो सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने अपना साकार पाठ इतना जल्दी क्यों पूरा किया। हम तो देखते ना, हम तो मिलते ना, सोचते हो ना, आता है मन में कि हम ब्रह्मा बाबा के सामने नहीं आए, उनसे नहीं मिले। लेकिन कल्प पहले का भी गायन है कि कौरव सेना के निमित्त बने हुए महावीर का कल्याण
किस द्वारा हुआ? शक्ति द्वारा हुआ ना। तो शक्तियों का पार्ट ड्रामा में साकार रूप से नूंधा हुआ है, और सब मानते भी हैं कि मातृशक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण होना असंभव है। सब आत्माओं का कल्याण अब कौन करेगा? किसकी जिम्मेवारी है? हम बच्चों की है ना। तो ब्रह्मा बाप फरिश्ता क्यों बना? साकार पाठ परिवर्तन क्यों हुआ? अगर ब्रह्मा बाप फरिश्ता रूप नहीं धारण करता तो आप इतनी आत्माएं यहाँ पहुँच नहीं पाती, क्योंकि वायुमंडल की भ्रांतियाँ इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के भाग्य खुलने का कारण रहा। बाबा हद से बेहद में आ गए, फरिश्ता बन गए। पहले देह की हद थी ना, तो बेहद हो गए, अव्यक्त फरिश्ता बन गए। तो कितनी आत्माओं को टच किया, ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ। वो बच्चे आए यहाँ पे, बाबा के चित्र को देख के पहचाना, बोला हमको इन्होंने टचिंग की कि यहाँ पर जाओ, और देखो कितनी बेहद की सेवा हुई, कितनी वृद्धि हुई। तो बाबा सेवा तो कर ही रहे हैं। कितने बच्चों का भाग्य खुल गया। अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना, फास्ट गति हुई या कम हुई है? फास्ट हुई है ना। तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुँचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से। तो आज का दिवस ऐसा नहीं है जैसे लोग मनाते हैं, चला गया चला गया, 24 घंटे का भी सेलिब्रेशन नहीं होता, दिन खत्म। लेकिन उमंग उत्साह आता है कि फॉलो फादर, हम भी ऐसे स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बने। ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। तो सिर्फ जनवरी मास में अव्यक्त मास मना लिया ऐसा तो नहीं है, या एक दिन मना लिया, एक महीने मना लिया ऐसा नहीं। जिनका दिवस मना रहे हैं उन जैसा बने। तो बाबा कहते हैं ये प्रैक्टिकल पाठ पढ़ने का दिवस है। आज आप किसी के भी दिल से दुख के आंसू निकले, निकले या अंदर अंदर थोड़ा आया, जिसको दुख की थोड़ी सी भी लहर आई वो हाथ उठाओ। दुख हुआ नहीं हुआ? देखो 18 जनवरी को जब वो गीत बजता है शांति स्तंभ पर, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, तुमको आना ही होगा। हाँ, आंसू रुकते हैं, लेकिन क्या वो दुख के आंसू होते हैं? बाबा कहते दुख हुआ नहीं हुआ। आज के दिन तो ब्रह्मा बाप को सेवा का साथी बनने का दिन है। आप सब साथी हो कि साक्षी हो? सेवा में साथी और माया के परिस्थितियों से साक्षी, सेवा में साथी और माया के परिस्थितियों से साक्षी। माया को तो वेलकम किया है ना कि घबराते हो, हाय क्या हो गया, थोड़ा थोड़ा घबराते हो। माया के हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए हैं, लेकिन जब कोई भी विकराल रूप की माया आवे तो सदा साक्षी होकर खेल करो। माया आ रही है तो बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखो उसको, वो भी खेल है। जैसे वो कुश्ती का खेल होता है ना, देखा है कि दिखाएं? यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं ना, तो समझो कि ये कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। अच्छी तरह से मारो, माया से हार मत खा लो, माया को मारो, घबराओ नहीं, खेल है। तो साक्षी होकर खेल करने में मजा आता है, और माया आ गई तो घबरा जाते हैं। सामने वाला बराबर का हो तभी तो मजा आता है ना खेल में। तो महारथी हैं तो माया भी पूरे दांव पेच के साथ आएगी। तो बाबा कहते हैं मारो माया को, खेल समझो, घबराना नहीं। कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, अंदर की बात बाबा बताते हैं कि माया दिखती है लेकिन ताकत नहीं है उसमें, सिर्फ बाहर का शेर का रूप है, लेकिन बिल्ली भी नहीं है। बिल्ली भी नहीं है, बाहर से दिखती शेर जैसे है।
सिर्फ आप लोगों को घबराने के लिए बड़ा रूप ले आती है, फिर सोचते हो पता नहीं अब क्या होगा। तो यह कभी नहीं कहो क्या करूं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन बाप दादा ने पहले भी यह पाठ पढ़ाया है कि जो हो रहा है वो अच्छा और जो होने वाला है वो और अच्छा। जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो और भी अच्छा, और जो आगे होगा वो तो और भी बहुत अच्छा होगा। ये पाठ हमको पक्का कर लेना है। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है। चाहे बातें ऐसी होती हैं जो कभी आपके स्वप्न में भी नहीं होती, और कई बातें ऐसे होती हैं जो ज्ञान काल में नहीं होंगी लेकिन ज्ञान के बाद हुई हैं। अज्ञान काल में कभी बिजनेस नीचे ऊपर नहीं हुआ होगा और ज्ञान में आने के बाद हो गया। घबरा जाते हैं, हाय ज्ञान छोड़ दें। फिर ऊपर से और संबंधी भी कहते, देखो आपने भक्ति छोड़ दी ना, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो क्या आता है, ज्ञान छोड़ दें, बाबा को छोड़ दें। लेकिन कोई भी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को अपना थोड़े समय के लिए शिक्षक समझो। शिक्षक क्या करता है, शिक्षा देता है ना। तो कोई भी बात हुई तो उससे सबक मिलता है। तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियों के अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति, न्यारापन, नष्टो मोहा, और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, जिससे आगे के लिए आप सीख लो कि ये परिस्थिति ये दो पाठ पढ़ाने आई है, एक तो सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। और जो कहते रहते हो हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, ठगी से तो नहीं कहते, एक तरफ तो कहते ट्रस्टी हैं और एक तरफ परेशान हो रहे, तो अपने आप को छलते तो नहीं, ठगते तो नहीं, धोखा तो नहीं देते। दिल से कहते हो, ट्रस्टी हो कि थोड़ा गृहस्थी हो, ट्रस्टी माना फिर चिंता नहीं होगी, निश्चिंत। तो बाबा पूछ रहे हैं, कभी गृहस्थी बन जाते कभी ट्रस्टी बन जाते। न्यू ईयर में बाप दादा को दो चार खिलौने दिए थे, उसमें क्या था कि एक तरफ करो तो भाई है, दूसरे तरफ करो तो फीमेल है, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल। एक ही खिलौना बदल जाता था, एक सेकंड में वो हो जाता था, एक सेकंड में वो हो जाता था, इधर घुमाओ तो मेल, उधर घुमाओ तो फीमेल। तो आप ऐसे खिलौने तो नहीं हो, अभी अभी गृहस्थी, अभी अभी ट्रस्टी, थोड़ा थोड़ा कभी कभी तो हो जाता है। पूछ रहे हैं बाबा, देखो कितने तरीके से पूछ रहे हैं बच्चों से। घबराते हो ना तो माया समझ जाती है कि ये घबरा गया है, मारो अच्छी तरह से, इसलिए घबराओ नहीं। दुश्मन को हमारी कमजोरी पता चल जाए तो वो बहुत जोर से वार करता है, जो रास्ता खुला हुआ रहेगा उसी रास्ते से घुस के वार करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं घबराओ नहीं, ट्रस्टी हैं अर्थात पहले से ही सब कुछ छूट गया। ट्रस्टी माना सब बाप के हवाले कर दिया। जब मेरा कुछ नहीं है तो फिर किस बात का डर है, मेरा क्या होगा, बस गा गा आता है ना तो गड़बड़ हो जाती है। मेरा क्या होगा, गा गा आया तो गड़बड़। सब अच्छा है और अच्छा होना ही है, निश्चिंत है, इसको कहा जाता है समर्थ स्वरूप। सब कुछ अच्छा और अच्छा होना ही है तो ये है निश्चिंत स्वरूप, समर्थ स्वरूप। तो आज का दिन कौन सा है, समर्थ बनने का, नष्टो मोहा होने का। सिर्फ बाबा बहुत याद आए गीत गाने का नहीं है कि बस याद कर रहे हैं, लेकिन गुण उनके जैसे नहीं है, धारणाएं उनकी जैसे नहीं है, ऐसा दिन नहीं है। तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता रूप होना ड्रामा में परमात्म कार्य को प्रत्यक्ष करने का निमित्त कारण बना। ब्रह्मा बाबा है या है नहीं, है या है नहीं, क्या कहेंगे, है, दिखाई तो देता नहीं। देखो आप जो पीछे आए हो वो बहुत लकी हो। क्यों, हम शिकायत करते ना कि हम देर से आए, बाबा कहते हैं आप लकी हो। क्यों, अभी सेवा के बने बनाए साधनों के समय पर आए। यज्ञ का इतिहास पढ़ें तो पता चले कि कितनी मुश्किल से जीवन बीता हमारे सीनियर्स भाई बहनों का,
मक्खन निकाला 60 वर्ष वालों ने और मक्खन खाने वाले आप आ गए। कितनी मेहनत की उन्होंने, हाँ तब यज्ञ में इतने साधन थे। बाबा कहते देखो मक्खन उन्होंने निकाला और आप मक्खन खाने आ गए। आज हिस्ट्री सुनी होगी ना, इतनी मेहनत आप करते तो भाग जाते। खुद को उनकी जगह रख के देखो, चलते हम इतने साल ज्ञान में, अभी हम इतनी कंप्लेन करते हैं। और वर्तमान समय सेवा का वायुमंडल बना हुआ है। अभी चाहे प्रेसिडेंट हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे कोई भी नेता हैं, मेजॉरिटी ये तो मानते हैं ना कि कार्य अच्छा है, हम कर सकते हैं या नहीं वो बात अलग है। मानते हैं ना कि संस्था अच्छा काम कर रही है, भले ही वो लोग नई सहयोग दे रहे हैं या नई ज्ञान में चल रहे हैं उस तरह से, तो वो अलग बात है, हर एक का पार्ट अपना है। लेकिन अच्छा कार्य है और ये कार्य और आगे बढ़ना चाहिए, ये तो कहते हैं ना। पहले क्या कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों की शक्ल भी नहीं देखना। अगर शुरू में निमंत्रण देने जाते भी थे तो दरवाजा बंद कर देते थे ना, पहले तो ब्रह्मा कुमारियों को देखकर दरवाजा बंद कर देते थे। तो आप तो अच्छे टाइम पर आए हो ना, आप कम से कम देखो बुलाते हैं, इज्जत करते हैं, सुनते हैं, तो अच्छा टाइम है ना। सेवा का चांस बहुत है, जितनी सेवा करने चाहो उतनी कर सकते हो। अभी सभी समझते हैं कि साकार ब्रह्मा के बाद भी ब्रह्मा कुमारियों ने सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन भी मना ली, अभी डायमंड तक पहुंच गए हैं। क्योंकि कोई भी बड़ा गुरु चला जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। किसी भी संस्था का प्रमुख चला जाए तो देखो संस्था का क्या हाल होता है, देख रहे हैं ना वर्तमान में। तो यहाँ गड़बड़ है क्या? यहाँ तो और ही वृद्धि है, बढ़ता जाता है। तो इससे सिद्ध है कि ये कार्य कराने वाला बाप परम आत्मा है, निमित्त माध्यम ब्रह्मा बाप है, अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है। ये पार्ट अलग चीज है, लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा रहा और अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है। भले ही दादी गुलजार के तन में आते लेकिन बाप दादा आते, तो अभी अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा ही माध्यम है। साकार के समय तो साकार थे ही, अभी भी माध्यम ब्रह्मा बाप है। ये पार्ट अलग चीज है, लेकिन माध्यम ड्रामा में पहले साकार ब्रह्मा रहा और अभी फरिश्ता रूप में ब्रह्मा है। ब्रह्मा को पिता कहेंगे, रचता तो ब्रह्मा है ना। ये तो पार्ट बीच बीच में बच्चों की पालना करने के लिए निमित्त है, बाकी रचता ब्रह्मा है और रचना के कार्य में अभी भी अंत तक ब्रह्मा का ही पार्ट है। तो शिव बाबा बिना ब्रह्मा बाबा के तो आते ही नहीं, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा और फिर बाप दादा पधारते दादी गुलजार के तन में। तो आज सारे दिन में किसके पास माया आई? कोई पोत्रा धोत्रा याद नहीं आया? तो सदा ऐसे समर्थ रहो और इसकी सबसे सहज विधि है दो शब्द याद रखो। दो शब्द याद रह सकते हैं ना, सारी मुरली भूल जाए, लेकिन दो शब्द याद रखो और प्रैक्टिकल में करते चलो। वो दो शब्द जानते भी हो, कोई नई बात नहीं है। आज कौन से दो शब्द बाबा दे रहे हैं? एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो, नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो। शुभ चिंतन इसको कहते हैं, शुभ चिंतन। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है और बदल सकते हो, सिर्फ चेक करो कि कर्म करते भी शुभ चिंतन चला। और दूसरा, सभी के प्रति शुभ चिंतक हो तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक दोनों का संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते, इसलिए इन दो बातों का अटेंशन रखना। यदि शुभ चिंतन नहीं चलता तो हम सबके शुभ चिंतक नहीं बन सकते। तो बाबा कहते हैं अटेंशन रखो, समझा क्या करेंगे? यही नहीं भूल जाना, क्योंकि अभी देखा गया है कि बहुत ऐसी समस्याएं हैं, लोग हैं जो आपके वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन शुभ वाइब्रेशन दो तो बदल जाते हैं। बोल के समझाओ तो नहीं समझेंगे, लेकिन हमारे मन में उनके लिए सोच अच्छी है, भाव अच्छा है, तो वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचता है,
वो समझते हैं, बदल जाते हैं और एक बात से मुक्त भी होना है। इस ब्राह्मण जीवन में मुक्त होने वाले होना, मुक्त होने की 9 बातें बता दी। अगर इन 9 बातों से मुक्त हो गए तो 9 रत्न बन सकते हैं। ये है ज्ञान का सार। 9 बातों से मुक्त होना है तो 9 रत्न में आ सकते हैं। तो आज बाप दादा एक बात की स्मृति दिला रहे हैं, कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, तन में हलचल हो, प्रवृत्ति में हलचल हो, सेवा में भी हलचल हो, तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार के हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं होना। तन मन सेवा किसी में भी हलचल हो लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना। बड़ी दिल वाले बनो। बाप की दिल कितनी है, छोटी है क्या? बाप के दिल में सारे बच्चे हैं तो बाबा का दिल छोटा सा है? बाप बड़ी दिल वाले हैं और बच्चे छोटे दिल कर देते हैं। बीमारी हो गई तो रोना शुरू कर देंगे, दर्द हो गया दर्द हो गया, तो दिल शिकस्त होना दवाई है। बीमारी चली जाएगी कि बढ़ेगी? बार बार वर्णन कर रहे हैं दिल शिकस्त हो रहे हैं, लो फीलिंग कर रहे हैं, तो बीमारी बढ़ेगी या चली जाएगी? जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो हिसाब किताब आ गया ना, लेकिन दिल शिकस्त से बीमारी को बढ़ा देते हो। इसलिए हिम्मत वाले बनो तो बाप भी मददगार बनेंगे। ऐसे नहीं रो रहे हैं, हाय क्या करूं क्या करूं, और फिर सोचो कि बाबा की तो मदद है ही नहीं। मदद उसको मिलती है जो हिम्मत रखते हैं। पहले बच्चे की हिम्मत फिर बाप की मदद है। बाबा कहते हैं पहला कदम तुम बढ़ाओ और फिर मैं 1000 गुना मदद करूंगा। तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं, बाबा भी टाइम पर तो करता ही नहीं है, बाबा तो कभी टाइम पे आते ही नहीं है। तो आधे अक्षर याद नहीं करो, बाबा मददगार है लेकिन किसका, तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों की ही करता है, हमको तो करता ही नहीं है, हमको तो देता ही नहीं है। पहले आप महारथी पीछे, चलो बाबा कहते हैं पहले आप आगे हो महारथी पीछे है, पहले मैं आपकी मदद करूंगा। लेकिन हिम्मत का पहला कदम तो हमें बढ़ाना होगा ना। लेकिन दिल शिकस्त नहीं बनो और मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है तो ऐसे समय पर निर्णय शक्ति चाहिए, और निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन बाप के तरफ होगा। बाबा को साथ रखेंगे, बाबा के साथ रहेंगे तो सही निर्णय ले सकते हैं। अगर अपने उलझन में होंगे तो हाँ ना इसी उलझन में रह जाएंगे। इसलिए मन से भी दिल शिकस्त नहीं बनो। और धन भी नीचे ऊपर होता है, जब करोड़पतियों का ही नीचे ऊपर होता है तो आप लोग उसके आगे क्या हो, वो तो हो नहीं है। लेकिन आप लोगों को निश्चय पक्का है कि जो बाप के साथी हैं सच्चे हैं तो कैसी भी हालत में बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएगा। बाबा के बने हैं, सच्चे बच्चे हैं, सेवा कर रहे हैं, श्रीमत अनुसार चल रहे हैं, तो बाबा की जिम्मेवारी है कि दाल रोटी खिलाएगा, जरूर खिलाएगा। दो दो सब्जी नहीं खिलाएगा, दाल रोटी खिलाएगा। पेट तो भरेगा ही ना, बाबा कहते हैं सब्जी नहीं खिलाएगा उस समय। अभी तो देखो कितने अच्छी टोली खा रहे हैं, माल खा रहे हैं, कितनी बार ब्रह्मा भोजन कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बाबा अंत तक दाल रोटी खिलाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना कि काम से थक करके बैठ जाओ और कहो बाबा दाल रोटी खिलाएगा, हाँ करे कुछ नहीं और सिर्फ बाबा पेट भरेगा, होगा ऐसा? ऐसे अलबेले या आलस्य वाले को नहीं मिलेगा। सुन लो आज बाबा क्या कह रहे हैं, अलबेलापन किया, आलस किया, बाबा की मदद नहीं की, कहना नहीं माना तो नहीं मिलेगा। बाकी सच्चे दिल पर साहेब राजी हैं, मन बुद्धि से बाप पर न्योछावर हैं, समर्पित हैं, तो फिर बाबा की जिम्मेवारी है। सच्चे दिल पर साहेब राजी। और परिवार में भी खिटपिट तो होनी ही है। जब आप लोग कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो
अति में जा रहा है और जाना है तो परिवार में खिटखिट ना हो, ये नहीं होना है, होना है। लेकिन आप ट्रस्टी बन, साक्षी बन, परिस्थिति को बाप से शक्ति ले हल करो। ब्राह्मण परिवार में भी कितने पेपर आएंगे, सबका आपस का हिसाब किताब है, लेकिन बाबा कहते हैं आप ट्रस्टी बन के, साक्षी बन के परिस्थिति को बाप से शक्ति लेकर हल करो। गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो और गड़बड़ होगी। पहले बिल्कुल न्यारे ट्रस्टी बन जाओ, एकदम न्यारे ट्रस्टी बन जाओ। मेरा नहीं, ये मेरापन, मेरा नाम खराब होगा, मेरी ग्लानी होगी, मेरा बच्चा और मुझे, मेरी सास मेरे को ऐसे करती है, ये मेरापन आता है ना, तो सब बातें आती हैं। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी सास, मेरा ये वो, जहाँ मेरा मेरा, तो सब बातें खराब हो जाती हैं और सब बातें आती हैं, परेशानी आती है, माया लगती है। मेरा जहां भी आया वहां बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं, चाहे लौकिक परिवार हो, चाहे ब्राह्मण परिवार हो, कहीं भी मेरा पन आया बुद्धि फिर जाती है, बुद्धि का फेरा हो जाता है, बदल जाते हैं, सोच ही बदल जाती है, समझ बदल जाती है। अगर बुद्धि कहाँ भी उलझन में बदलती है तो समझ लो ये मेरा पन है, उसको चेक करो और जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे उतना उलझेगा। इसलिए सभी बातों में क्या नहीं बनना है, जब बुद्धि नहीं चले तो और उलझ जाते हैं, सुलझाना चाहेंगे लेकिन और उलझता जाता है। तो बाबा कहते हैं क्या नहीं बनना है, दिल शिकस्त नहीं बनना है। क्या नहीं बनेंगे, दिल शिकस्त, सिर्फ कहना नहीं करना है, तो दिल शिकस्त नहीं बनना है। बाबा कहते सिर्फ मुंह से बोलो नहीं, सिर्फ कहना नहीं है, करना है। भगवान के बच्चे हैं ये तो पक्का वायदा है ना, इसको तो माया भी नहीं हिला सकती। जब ये पक्का वायदा है, निश्चय है, तो भगवान के बच्चे भी दिल शिकस्त हो जाएं तो बड़ी दिल रखने वाले कौन होंगे। हमको भगवान मिला, सर्वशक्तिमान के बच्चे हम, मास्टर सर्वशक्तिमान है, हम ही हार मान ले तो फिर कौन होगा बड़े दिल वाला, और कोई होंगे, आप ही हो ना, तो क्या करेंगे। अभी समर्थ बनो और सन शोस फादर का पाठ पक्का करो, कच्चा नहीं करो, पक्का करो। सभी हिम्मत वाले हो ना, हिम्मत है हाँ बाबा हिम्मत है, तो चलो मदद मिलेगी। अच्छा, तो बाबा ने कहा शुभ चिंतन हो, शुभ चिंतक बनना है और दिल शिकस्त कभी नहीं बनना है। चारों ओर के सर्व समर्थ आत्माओं को, सर्व माया जीत प्रकृति जीत आत्माओं को, सदा सन शोज फादर करने वाले बच्चों को, सदा दिल खुश रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बड़े दिल वाले, सदा हिम्मत रखने वाले, सदा शुभ चिंतन करने वाले, सबके शुभ चिंतक बनने वाले, सदा समर्थ बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज विदेश वाले बच्चे भी बहुत याद आ रहे हैं, चारों ओर मधुबन से मन की लगन लगी हुई है। बाप दादा भी सभी बच्चों को सामने देख विशेष याद और सेवा का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा ने नौ रत्नों में आने के लिए जिन नौ बातों से मुक्त बनने का इशारा दिया है वो है इस प्रकार, निम्नलिखित बातें हैं। पहला है क्रोध मुक्त, कैसा बनना है, क्रोध मुक्त, जरा भी क्रोध ना हो। दूसरा व्यर्थ संकल्प मुक्त, नो वेस्ट थॉट। तीसरा लगाव मुक्त, किसी भी बात से लगाव ना हो। चौथा परमत पर चिंतन और पर दर्शन मुक्त। पांचवा अभिमान व अपमान मुक्त। छठा झमेला मुक्त। सातवां व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त। आठवां अप्रसन्नता मुक्त।
और नौवा दिल शिकस्त मुक्त। यह है पूरे ज्ञान का सार। यदि हम इन सब से मुक्त हो जाएं और सदा योग युक्त रहें तो सोचो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा। हो सकता है? तो एक बार रिवाइज करेंगे, क्रोध मुक्त, व्यर्थ संकल्प मुक्त, लगाव मुक्त, परमत पर चिंतन और प्रदर्शन मुक्त, अभिमान व अपमान मुक्त, झमेला मुक्त, व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, अप्रसन्नता मुक्त और दिल शिकस्त मुक्त। वरदान है डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। डबल लाइट स्थिति द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। बाप दादा कहते हैं, चलते फिरते यही स्मृति रहे कि मैं डबल लाइट स्थिति में रहने वाला फरिश्ता हूँ। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाला। लाइट चीज सदा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती। आधा कल्प तो नीचे रहे, अब उड़ने का समय है, इसलिए चेक करो कि कोई भी बोझ व बंधन तो नहीं है। अपने कमजोर संस्कार का, व्यर्थ संकल्प का, देह भान का बंधन व बोझ बहुत समय चलता रहा तो अंत में नीचे ले आएगा। इसलिए बंधन मुक्त बन डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करो। डबल लाइट, मैं आत्मा लाइट, और सारे बोझ बाप को देकर मैं आत्मा हल्की हो गई, तो डबल लाइट बनकर उड़ना है। मैं फरिश्ता हूँ। बाबा कहते हैं लाइट चीज हमेशा ऊपर जाती है, नीचे नहीं आती, तो फरिश्ता कभी फर्श पर नहीं रहते, अर्श पर उड़ते रहते हैं। फर्श पर रहने वाले से हमारा संबंध बदल जाए, बंधन नहीं, सेवा का संबंध हो जाए। अब कोई बंधन नहीं, बोझ नहीं, बाबा कहते हैं अब उड़ने का समय है। तो अपने कमजोर संस्कार स्वभाव व्यर्थ संकल्प का देह भान का बंधन बोझ, बाबा कहते हैं इनमें से कुछ भी रहा तो वो अंत में नीचे ले आएगा। इसलिए हर प्रकार के बंधन से मुक्त होकर डबल लाइट स्थिति में रहने का अभ्यास करना है, सदा उड़ते ही रहना है। स्लोगन है, मनसा सेवा वही कर सकते जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। मनसा सेवा वही कर सकते जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। शुद्ध संकल्प होंगे तभी तो हम मनसा सेवा कर सकते हैं। मन में अशुद्ध संकल्प चलेगा, बोझ होगा, नेगेटिव चलेगा, तो आत्माओं को कैसे टच कराएंगे, कैसे सेवा करेंगे उनकी। इसलिए सदा शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करनी है। कहाँ से मिलेगी? मुरली से। तो साकार और अव्यक्त मुरलियां पढ़ते रहना है, विचार सागर मंथन करते रहना है। आज थर्ड संडे है और नुमा शाम योग के लिए जो संकल्प मिलता है वो है, मैं दिव्य आकर्षण मूर्त आत्मा विश्व गगन में चमक रही हूँ। मेरी दिव्यता व पवित्रता से आत्माओं को साक्षात्कार हो रहे हैं। अपने पथ से भटकी हुई आत्माएं पुनः सत्य के पथ पर अग्रसर हो रही हैं। तो इस विचार के साथ नुमा शाम का योग करना है। तो सदा समर्थ रहने के लिए क्या करना है, एक बार रिवाइज करेंगे। बाबा स्नेह संपन्न स्मृति दिवस पर बच्चों से मिलने आए, समर्थी दिवस, सभी बाबा को याद कर रहे। बाबा कहते संशोष फादर के वरदान का दिन है। इसी दिन बाबा संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने। बाबा का मोह नहीं था किसी से, क्योंकि स्वार्थ नहीं था, शुद्ध प्यार रहा, अति स्नेह रहा। तो हमें भी ऐसा ही बनना है। इसी स्वरूप के कारण बाबा शिव बाबा की प्रत्यक्षता कर सके, और अब ये कार्य हमें करना है। सबको अनुभव हो कि ये परमात्म कार्य है।
फिर बाबा ने कहा, माया का शेर का रूप नहीं है, यहाँ तक कि बिल्ली भी नहीं है, तो घबराना नहीं है माया से, हाय हाय नहीं करनी है। क्यों होती है हाय हाय? जब हम भूल जाते हैं कि हम ट्रस्टी हैं, तो कभी गृहस्थी नहीं बनना है। दो शब्द का पाठ पक्का कराया बाबा ने, एक है शुभ चिंतन, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है और सबके प्रति शुभ चिंतक बनना है। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल में नहीं आना है। गारंटी है बाबा दाल रोटी जरूर खिलाएगा, मेरापन जरा भी ना हो। और नौ रत्न दिए बाबा ने, क्रोध मुक्त, व्यर्थ संकल्प मुक्त, लगाव मुक्त, परमत पर चिंतन प्रदर्शन मुक्त, अभिमान व अपमान मुक्त, झमेला मुक्त, व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, अप्रसन्नता मुक्त और दिल शिकस्त मुक्त। और फिर सर्वबंधन मुक्त बनने का वरदान मिला और बाबा ने कहा, शुद्ध संकल्प जमा करने हैं, तभी हम मनसा सेवा कर सकते हैं। पूरी मुरली से स्वमान लेंगे, मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ, मैं सदा समर्थ आत्मा हूँ। ओम शांति।